नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको मोशन सिकनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। इस टर्म को हम बोलते हैं ट्रेवल सिकनेस और सी सिकनेस। तो आज हम समझते हैं मोशन सिकनेस को, मोशन सिकनेस क्यों कहते हैं और ट्रेवल सिकनेस या सी सिकनेस क्यों कहते हैं। अगर आपको भी ऐसा होता है कि जब भी आप ट्रेवल करते हैं कोई मूवमेंट होता है तो उल्टियां होती है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, तो इस टर्म को ट्रेवल सिकनेस बोलते हैं। या फिर सी के रास्ते ट्रेवल करें शिप से तो उल्टी आती है, ठीक है, तो इसको सी सिकनेस बोलते हैं। मोशन मतलब कोई मूवमेंट होना, ट्रेवल मतलब कोई जर्नी, कार में बैठे तो, बाइक पे बैठ के चलोगे तो ऐसा चक्कर उल्टी वगैरह नहीं आता है ओपन स्पेस में, पर जैसे ही क्लोज्ड होते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो स्टार्ट करते हैं, ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, ओल्ड एज में हो सकता है। तो अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या करें, सबसे पहले देखो अगर हम बात करें कि इसका कारण क्या है, मैं बोलता हूं हमेशा कारण को ट्रीट करो। तो अभी तक साइंस ने ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण नहीं खोजा है मोशन सिकनेस का, पर कुछ थ्योरीज है कि भाई कोई ईयर कान के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है उस कारण मोशन सिकनेस होने का चांसेस बनता है, या फिर कई बार फोबिया भी होता है, हम बहुत ज्यादा उस चीज को सोच लेते हैं तो फिर वॉमिट होगा ही होगा ट्रेवलिंग से पहले, तो कई बार ये चीजें भी रहती है। उसके बाद अगर जैसे आपको मोशन सिकनेस है तो मैं आपको कुछ नेचुरल वेज बताता हूं, मेथड जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो ट्रेवलिंग से पहले हैवी फूड ना लें, ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाएं, लाइट फूड लें ट्रेवलिंग से पहले। उसके बाद जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी का शीशा नीचे रखें ताकि फ्रेश एयर आपको आए, और गाड़ी के बाहर देखने की कोशिश ना करें। उसका कारण है जैसे पेड़ चल रहे हैं बहुत तेजी से, व्हीकल्स भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आपका आई कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है उसको। सबके लिए नहीं है, जिनको मोशन सिकनेस है उनके लिए है। तो इस केस में क्या होगा कि वो उनको चक्कर आने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, जी घबराने लगेगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, अब आपको क्या करना है, गाड़ी में बैठ के कोई गेम खेलो, कोई म्यूजिक सुन लो अच्छे से, अंदर ही कंसंट्रेट करो, कार की विंडो चेयर के पास बैठे, थोड़ी फ्रेश एयर लें, अपने आप को थोड़ा बिजी रखें, कुछ भी एक्टिविटी में बात करें, कुछ भी करें, गाना सुने या अंताक्षरी खेलें, तो इस तरीके का कुछ भजन सुन लें जो आपको अच्छा लगता है वो आप काम करें, कोई गेम खेल लें, तो ये आपको बिजी रखेगा। उसके अलावा आप बात करते हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट की, ठीक है। साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें स्कोपोलामीन पैचेस आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं ट्रेवल से पहले। उसके अलावा ओरल स्कोपोलामीन पिल्स आती है वो इतनी इफेक्टिव होती नहीं है, ठीक है। सिनारजीन टेबलेट्स वगैरह ले सकते हैं या फिर प्रोमेटाजीन आप ले सकते हैं। पर देखो फार्माकोथेरेपी से बेस्ट रहता है कि, और कुछ योगा मेडिटेशन रहता है जिससे आपको मोशन सिकनेस नहीं हो, ट्रेवल सिकनेस नहीं हो, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अच्छा डाइट लें, हेल्दी फाइबर डाइट लें, वाटर इनटेक, थोड़ा हाइड्रेशन ठीक रखें, मेडिटेशन करें, और फार्माकोथेरेपी भी हेल्प करता है। जिस दिन आप ट्रेवल करें उससे पहले आप कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं जिससे आपको मोशन सिकनेस नहीं हो। हाँ, पर अब जैसे कुछ भ्रम है कि अदरक खाने से मोशन सिकनेस ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, साइंटिफिकली प्रूव है। कोई पीपीआई पेंटास ओमेज वगैरह ले लें उससे कुछ ठीक होता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेनेटिडिन वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक मेडिसिन रहेगा उसी से आराम मिलेगा। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं उस डिजीज के बारे में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, थैंक यू, धन्यवाद।